बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में एक रंबा नाम की खरगोश रहा करती थी। वह रोज सुबह खाने की खोज में अपने बिल से बाहर निकलती और दोपहर को वापस आ जाती। एक दिन की बात है, जब वो खाने के लिए जंगल में घूम रही थी तो उसे एक सियार मिल गया, जिसे देख वो डर गई और मन में सोचा, अगर इस सियार ने मुझे देख लिया तो अवश्य ही मुझे खा जाएगा। और रंभा खरगोश वहाँ से भाग गई। रंभा खरगोश के भागने से झाड़ियों में आवाज हुआ और सियार की नजर झाड़ी की ओर गई और वह मन ही मन सोचने लगा, उस झाड़ी के पीछे अवश्य कोई जानवर छिपा है, चलो चलकर देखते हैं। और सियार झाड़ी की ओर लपका, लेकिन तब तक रंभा खरगोश वहाँ से भाग गई थी। रंभा खरगोश भागकर सीधे अपने बिल में पहुँची और दो दिनों तक बाहर नहीं निकली। दो दिनों के बाद उसने सोचा, अगर इसी तरह से अपने बिल में पड़ी रही तो अवश्य ही भूखी मर जाऊंगी। यह सोचकर रंभा खरगोश खाने की तलाश में अपने बिल से बाहर निकली और जंगल में घूमने लगी। जंगल में घूमते घूमते उसे एक बड़े आकार की कोई चीज दिखाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह अवश्य ही कोई बड़ा जानवर है, लेकिन डरते डरते जब वो उसके पास आई तो उसे मालूम चला कि ये तो ढोल है। पहले तो रंभा खरगोश ने जमकर ढोल बजाया और खूब मस्ती की। मस्ती में उसे पता ही नहीं चला कि एक सियार उसके नजदीक आ गया है। सियार को देख वह पसीने से लथपथ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, आज तो मेरा मरना तय है, आज ये सियार मुझे नहीं छोड़ेगा। और हिम्मत करके सियार से बोली, हाँ भाई भोलू, कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भोलू सियार गुस्साते हुए, अरे खरगोश, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? भाई मैं तुमसे क्यों डरूं? ढोल की तरफ इशारा करते हुए, तुम देखते नहीं, तुम्हारे जैसे सियार को मैंने अपना बॉडीगार्ड बना रखा है। भोलू सियार, ए रंभा, तू क्या मुझे मूर्ख समझती है? दूसरा सियार कहाँ है? ये तो सिर्फ एक डब्बा है। रंभा खरगोश, मूर्ख तो तुम हो, मैंने इसे डब्बे में बंद कर रखा है, तुम डब्बा खोलकर देख सकते हो। खरगोश की बातें सुनकर पहले तो सियार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार डब्बे को खोलकर देखने में क्या जाता है, वैसे भी ये छोटा सा खरगोश भागकर कहाँ जाएगा। और सियार डब्बे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ढोल के ढक्कन को खोला, वैसे ही रंभा खरगोश ने उसे अंदर की ओर ढकेल दिया और वहां से वो भाग गई। अपने से छोटे को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।